हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सो मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है, वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स। तो मैं आपको जो आज वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, जो मैं बात शेयर करने जा रहा हूँ, वो ज़रूर आप अपने माइंड में रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना मेरे हेयर स्टाइल के लिए भी। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ टू मैनेज योर फीस कैसे मैनेज कर सकते हो आप, अपने थर्ड सेम की फ़ीस कैसे पे कर सकते हो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कैनेडा आ रहे हैं, न्यू अराइवल्स हैं, बिकॉज उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू आर कमिंग टू कैनेडा, ठीक है, आपको $2,000 GST मिलेगी। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप घर से $2,000 ज़रूर लेके आओ, या अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो $1,000 ज़रूर लाओ। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि फ़ीस कितनी होती है। थर्ड सेमेस्टर की जो मेरी फ़ीस है वो $7,200 है, $7,200 है। तो हम साथ के साथ कैलकुलेट करी जाएंगे और साथ के साथ हम प्लान बनाएंगे, एक जो प्लान बेसिक प्लान होता है कि हम कैसे थर्ड सेम की फ़ीस निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम केस देखते हैं कि एक लड़का है रामू नाम का, रामू ने क्या करना है, उसने फ़ीस निकालनी है अपने थर्ड सेम की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या करना है कि उसको 1 ईयर की फ़ीस ऑलरेडी पेड होती है, ठीक है। 1 ईयर की फ़ीस में क्या होता है, 8 मंथ्स की फ़ीस ऑलरेडी पेड होती है। जो यहाँ पे सेमेस्टर होता है वो 4 मंथ्स का 1 सेमेस्टर होता है, तो 2 सेमेस्टर हो गए 8 मंथ्स की, ठीक है। रामू ने भरनी अपने थर्ड सेम की फ़ीस, तो रामू ने क्या करना है रामू को छोड़ो, चलो रामू ने क्या करना है, सुनो, $2,000 उसके पास GIC है, ठीक है। $2,000 वो घर से लाया है, ठीक है, $2,000 GIC और $2,000 वो घर से लाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जब वो लैंड करता है कैनेडा, फर्स्ट ऑफ ऑल अकोमोडेशन देखनी होती है। अकोमोडेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, कहाँ रहना है, ठीक है। एयरपोर्ट पिकअप पे पैसा खर्चा होगा $100 अगर आपने एयरपोर्ट पिकअप कराना है, ठीक है। एयरपोर्ट पिकअप कराने के बाद आपको अकोमोडेशन का फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट देना पड़ेगा। तो $1,000 to $1,200 का खर्चा ऐसे लगा के चलो, ठीक है, और $300 का खर्चा बस पास का लगा के चलो। $1,000 to $1,200 में आपकी ग्रोसरी कवर होगी, अगर फर्निश्ड नहीं है रूम तो फिर आपके आपको गद्दा मैट्रेस वगैरह लेना पड़ेगा, अपने लिए चीज़ें लेनी पड़ेंगी, ठीक है। बस पास ये सारा आप $1,500 का खर्चा लगा के चलो, फिर आपके पास बचते हैं $500। ये $500 आप अपने नेक्स्ट मंथ के रेंट को पे कर देना। जैसे आपकी अगर GIC आती है $670 हर मंथ, $670 है। अब मैं जो $2,000 की बात कर रहा हूँ, वो $2,000 आपके पास ऑलरेडी सेव्ड है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। वो $2,000 को आपने रख देना है बिल्कुल साइड में, उसको एक पैसा नहीं खर्चना, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वाइवेबिलिटी, सर्वाइव कैसे करोगे। अगर आपको फर्स्ट मंथ जॉब नहीं मिल रही, पहली मंथ की GIC जा रही है $670, जाने दो, ठीक है। सेकंड मंथ में अगर आपको जॉब मिल जाती है, जॉब कैसे ढूंढने, मैंने आप वीडियो बनाई है वो ज़रूर आप देख लीजिएगा। फैक्ट्रीज की शिफ्ट लगा सकते हो, आपको अगर एक फैक्ट्री की शिफ्ट लगाओगे आपके $100 तो बन जाएंगे। तो हफ्ते में 2 शिफ्ट लगा सकते हो, क्योंकि 8 आवर्स की एक शिफ्ट होती है। तो $14 के पे रेट के हिसाब से आपको $112 मिलेंगे, तो $224 वो हो गए, ठीक है। मैं $200 इसलिए अगर कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग राइड शेयर करा के जाते हैं और वो जब लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं उनके $20 तो ऐसे खर्च हो जाते हैं। मान लो आपको 2 शिफ्ट में मिलती है, आप मंथली $800 अर्न कर सकते हो। $800 अर्न करना गाइस इट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया चीज़ है। $800 में आपके सारे खर्चे कवर हो जाएंगे। $670 आपकी एक तो GIC बचेगी, उसमें से $600 आपका मिनिमम खर्चा होगा। $600 में मोबाइल अगर आप लेते हो, मोबाइल लेना है इंडिया से लाओ, ठीक है। अगर आपने फीस निकालनी है, ठीक है, थोड़ी सी कंजूसी करनी पड़ेगी, मोबाइल लेना है इंडिया से लाओ, यहाँ आके लोगे तो फिर आपको वो एडिशनल खर्चा आ जाएगा। जहाँ आपने $60 देने होंगे वहाँ आपको $112 देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें कंसीडर में रखना, ठीक है। जब आप $800 एक मंथ में कमा रहे हो उस और GIC साइड बाय साइड उड़ा रहे हो, 4 मंथ्स में आपके पास $3,200 हो जाएंगे, और जो फर्स्ट मंथ मिले थे $2,000 वो तो साइड पे रखे ना बाबा, उसका क्या करना है। 4 मंथ में कितने हो गए, $3,200 और $2,000 वो वाले, $5,200 हो गए आपके 4 मंथ्स में। फिर क्या, 8 मंथ में क्या हुआ, कितना हुआ, $3,600 और $2,800 गाइस आपकी थर्ड सेम की फीस निकल गई। आइडिया अच्छा है ना, ये मेरी जो मैंने जो बोला है ना उसको एक डायरी में लिख लो, बांध लो गांठ,
जो मर्जी हो जाए आपने कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ही मुश्किल से आपको कनाडा भेज रहे हैं. इट्स अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अप टू यू. यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड. ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. अगर मैंने कोई चीज़ भूल गया हूँ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसमें ज़रूर आपको बताऊंगा, उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा. तो ये वीडियो मैंने घर में बनाई है. अब ये घर का टूर भी कराना है, आपको घर भी दिखाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है. तो यही है हाउ टू मैनेज फीस, इस वीडियो का टाइटल होगा. और कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हो. अगर जल्दी जल्दी आपको चाहिए रिस्पॉन्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो. और वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले. हाँ, बंदों को पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बढ़िया रहेगा. ठीक है, एक बार समरी में बता देता हूँ क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. आप लाओ अपने घर से $2,000, ठीक है, वो लगाओ आप खर्चे में. $2,000 जब आप लगाओगे खर्चे में, आपके जो खर्चे होंगे $1,500 तक का खर्चा लगा के चलो गाइस, जो GIC के 2000 वो आपने छेड़े नहीं है. फर्स्ट मंथ की अगर गई है GIC है $670, अगर फर्स्ट मंथ जॉब नहीं मिल रही है तो एडजस्ट करो. जब मिल गई, अगर आप दो शिफ्ट भी लगाओगे $800 कहीं नहीं जाते आपके, मतलब 4-5 महीने में पैसे बन जाएंगे. 1-2 हज़ार का जुगाड़ तो कहीं भी हो जाएगा. क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड मिलता है. क्रेडिट कार्ड का आपने मिनिमम पेमेंट करनी है, फीस हो जाएगी गाइस. बस थोड़ा दिमाग यूज़ करना है और थोड़ी कैलकुलेशन यूज़ करनी है, इस पर भी काबू रखना है. टिम बहुत पैसे खाते हैं, टिम की कॉफ़ी ने बर्बाद कर दिया. ऑलमोस्ट मैंने $80-90 खर्च दिए 4-5 महीने में. तो मैंने ये डिसाइड किया था कि जो मर्जी हो जाए घर से कॉफ़ी बना के जाऊँगा, कितना टाइम लग जाएगा. पर प्लीज़ गाइस बी अवेयर, ऑल द वेरी बेस्ट. ज़्यादा ही मैं आपको बोल रहा हूँ बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप भी तो मेरे अपने हो, इसलिए अपनों से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अपनों से, और अपनों को बताऊँगा जो चीज़ें मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है. ठीक है, अच्छी लगी वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा देना. ठीक है, अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब करना. बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखना. बाय बाय.